सेवनटीन्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले फिजिक्स का आ रहा, वो करते हैं 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ? कन्वेक्स, प्लेन, कनकेव मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर? क्या आंसर आएगा, कौन सा? कन्वेक्स कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हो इधर ऑनलाइन स्टूडेंट, रेज हैंड, आपका क्या आंसर है? कनकेव मिरर फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज ना, कन्वेक्स का रियर व्यू मिरर यूज होता है व्हीकल्स में टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, तो नॉट कन्वेक्स एट एनी कॉज, ये चारों के चारों बोल रहे हैं कन्वेक्स। बच्चे कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ये डायग्राम वाला बाद में करते हैं। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से निकलेगा इनमें से जब पैरेलल बीम इंसिडेंट होगा, जब पॉइंट सोर्स रखेंगे तो? कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस, टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, एंड कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन? पॉइंट सोर्स से लाइट जब दूर से मतलब आ रही है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कौन देगा? अब अगर जैसे कन्वेक्स लेंस नहीं, दूर से नहीं आ रही मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो अगर हम उसके फोकस पे रख दें इसको तो ये पैरेलल बीम देगा, उससे जो लाइट रेज आ रही है कन्वेक्स लेंस तो पैरेलल बीम देगा। कनकेव मिरर चेक कर लेते हैं, कनकेव मिरर में कैसे होगा? अगर वही फोकस पे रखें तो रेज पैरेलल आ जाएंगी ना पैरेलल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ही है। वैसे कन्वेक्स मिरर में कैसे होगा? इसमें किसी एंगल पे जाएंगे, इसमें किसी एंगल पे जाएंगे, ये पैरेलल बीम नहीं देगा। टू प्लेन मिरर्स कैप्ट एट 90 डिग्री, दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रखे हैं, पॉइंट सोर्स से लाइट आई, ये गई इस तरह से, तो कितने ही एंगल से ये बेंड हो जाएगी, कितने ही एंगल से ये बेंड हो जाएगी, ये भी पैरेलल नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस दे विल फॉर्म, दे विल गिव आउट अ पैरेलल बीम व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज कैप्ट एट देयर फोकस। ठीक है, उन्होंने पॉइंट का नाम नहीं लिया पर हम बता सकते हैं कि अगर फोकस पे रखें तो पैरेलल बीम दे विल गिव आउट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर है ए, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। चलिए 20th, कंसिडर दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस, ग्लास 1.52, एयर 1.0003, वाटर 1.333। बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मटीरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे डेंसर इनमें से ग्लास है, फिर वाटर है, फिर एयर है, तो सबसे कम स्पीड ग्लास में होगी, फिर वाटर में होगी, एयर में सबसे ज्यादा होगी, तो उसके बेस पे हमारी ऑप्शन आती है सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सी ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो जो सबसे रेयरर मीडियम है उसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी सबसे ज्यादा, तो आपका सी पार्ट करेक्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मॉडरेट then speed of light in glass minimum। 21st, if a beam of red light and a beam of violet light are incident at same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction r and v respectively, which of the following is correct?
इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशनशिप होगा? एक रेड लाइट है और एक ये ह्यूमन आई का है, उसमें प्रिज्म की रिफ्रैक्शन है, तो इसको भी रहने देते हैं फिर हम, क्योंकि ये आपने कॉन्सेप्ट किया ही नहीं हुआ। 22nd देखिए, एग्जामिन अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ग्राफ के ऊपर बनाया हुआ है। ये 3 बॉक्स है यहाँ पे फोकस बनाया हुआ है और फिर 3 बॉक्सेस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है। अब उन्होंने बोला विच इज करेक्ट, 1 स्मॉल बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि बताओ क्या ठीक है, मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ इतने सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ इतने, हमें इसकी फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन निकालनी है, यहाँ कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ तो निकाल ही ली हमने, एक मिनट, उसकी ऑप्शन क्या थी 3 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ये कौन सा केस है, सी वाला, इमेज भी सी पे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 6 है, इमेज डिस्टेंस भी 6 है, तो बताइए मैग्निफिकेशन क्या है? वैसे ही पता है हमें इस केस में मैग्निफिकेशन -1 होती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द सेम, ना भी सॉल्व करें तो भी हमें पता चल जाएगा, और क्योंकि ये रियल बनी है इसलिए -1, तो ये ऑप्शन कौन सी हो देख लेते हैं, तो ऑप्शन है, अब मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? कनकेव मिरर है ना, तो नेगेटिव है, तो आपका आंसर आ गया बी पार्ट, मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, सो बी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। 23rd है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर एयर और ये हेमिस्फीयर ग्लास का है, ये डायग्राम दिया हुआ है, कहा उन्होंने क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास निकालना है हमने एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब, कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ, और ऑप्शन है 45, 0, 90, 180, कोई आइडिया ये कौन सा एंगल निकालना है हमने? ये वाला एंगल निकालना, एयर से ग्लास में जाएगी इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो पहले तो हम इसको ठीक करके बनाते हैं, हमने इसको सीधा ही बना दिए, ये आई रे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये, तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल बनेंगे, तो ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यही होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो इसका इंसिडेंस का एंगल बनेगा, और ये आपका न्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब किस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो, वैसे वहां जो डायग्राम दिया उन्होंने बिल्कुल सीधा ले गए हैं उसको, उसमें तो यही देखने को लग रहा है कि आई 0 डिग्री है, बट मीडियम तो चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंडिंग तो होगी, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने को बोला ना, तो इंसिडेंस तो नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल इंसिडेंस है तभी रे सीधी जा रही है, ये हमने ऐसे अपनी तरफ से बना दिया,
एक्चुअल डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन ही है, बिल्कुल ऐसे दिया हुआ, बिल्कुल ओ ये और ये, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल। तो आपका एंगल आई कितना हो गया, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक्स विद नॉर्मल, तो वो 0 डिग्री आएगा। बस डराने के लिए इतना बड़ा डायग्राम दिया हुआ है, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे है प्रिज्म का क्वेश्चन, वो भी ह्यूमन आई का ही है, वो रहने दो। देन हाँ, असर्शन रीजन, असर्शन में फिजिक्स का क्वेश्चन है 34। तो लिखिए असर्शन क्या है, असर्शन इज स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। हाँ ये भी ह्यूमन आई का ही, चलो वैसे जनरल है आप बता सकते हो। असर्शन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ठीक है। रीजन है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, तो ये भी ठीक है, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही ब्लू कलर क्यों है, उसका रीजन नहीं दे रही। इसका आंसर है बी, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। लिख लो, इससे आइडिया तो हो जाता है ना असर्शन रीजन करते कैसे। असर्शन है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, रीजन है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ओके नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर, इट मीन्स दैट द लेंस इज दिस मीन्स दैट द लेंस इज कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 मीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर, कंकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 मीटर। तो चलो निकाल लेते, माइनस का मतलब क्या, कंकेव लेंस है पहले, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ 1/4 मीटर हो गई, पावर इज 1/f, तो f इज 1/e, e इज -4, 1/4 मतलब अगर सेंटीमीटर में देना है या मीटर में देना है ये डिपेंड करता है, अगर तो हम सेंटीमीटर में देते हैं तो 25 सेंटीमीटर होगा, तो आपकी ऑप्शन 25 सेंटीमीटर सी होगी, कंकेव लेंस और फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, दिस इज अ कंकेव लेंस और फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। नहीं नहीं कन्वेक्स है, दो ऑप्शंस कन्वेक्स की, तो कन्वेक्स की तो है ही नहीं, आपको पता होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। आर यू लिसनिंग भाविन, क्या बना रहे हो, ये हो गया, कौन सा लेंस है ये, फोर्टीएथ है, रेज फ्रॉम सन, लिखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ये, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर, ये V दिया हुआ है, रेज कन्वर्ज एट दिस पॉइंट मतलब V दिया है, यहाँ पे इमेज बन रही होगी, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत, ऐसे ही बता सकते हो, मतलब कि चलो आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, अमृतपाल हैंड रेज किया, चलो आप बताओ अमृतपाल, ये ऑप्शन आंसर है मैम, कौन सी, क्या ए ऑप्शन मैम, ए ऑप्शन आंसर है, 30 सेंटीमीटर। हाँ कैसे, पहले तो सन रेज अगर कन्वर्ज कर रही है वो कंकेव, हमें एफ गिवन है उसको ट्वाइस कर देंगे, हाँ इसका मतलब वो जो 15 सेंटीमीटर है वो फोकल लेंथ है, क्योंकि रेज सन की इंफिनिटी से आके
वो फोकस पे कन्वर्ज करती हैं। तो इसका मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर है दैट इज फोकल लेंथ। तो ये सी वाला केस होगा जब इमेज सेम, अब वो अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि कहाँ पे हम रखें कि सेम साइज की इमेज बने, तो सी पे होगा। अगर हमारी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गई है तो हमारा वो डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल 30 सेंटीमीटर। तो इट इज ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर। भावेन पता लग गया ये कॉन्सेप्ट? पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब रेज इंफिनिटी से आती हैं फोकस पे इमेज बनती, वहां से फोकल लेंथ आ गई। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब सेम साइज की इमेज बनती है, वो है सी पे रखना। तो सी पे जब रखा है मतलब डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के जितना है, एंड एफ इजिकल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ पता चल गई, वहां से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का। 43, क्वेश्चन नंबर 43 लिखो ये वाला न्यूमेरिकल। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, इफ द रियल इमेज of a candle flame formed by a lens is, if the real image of a candle flame formed by a lens is three times the size of flame, three times the size of the flame, and distance between lens and image is 80 centimeter, distance between lens and image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens, at what distance should the candle be placed from the lens। मतलब यू निकालना है कैंडल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, अमृतपाल ने आंसर निकाल लिया। हाँ बोलो। हमें m माइनस से गिवन है और v हमें 80 गिवन है, तो m इक्वल टू e बाय u से निकाल लेंगे। u 80 बचती है, माइनस 80 बचती है। हाँ, तो ये आपका d पार्ट आ जाएगा आंसर, माइनस 80 बाय 3 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। रियल इमेज है 3 टाइम्स द साइज ऑफ फ्लेम, मतलब मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव है, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन माइनस 3 होगा। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज मतलब वी आपका है 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, बस ये फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन। क्या फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का? फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आप बताओ शांतनु। वो तो मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए प्लस होता है। मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस इज प्लस वी बाय यू। मैग्निफिकेशन दी हुई है माइनस 3 और वी दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ये कौन सा, क्योंकि रियल इमेज बना रहा है कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के लिए हमारा वी राइट साइड पे होता है, इमेज राइट साइड पे होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा वी पॉजिटिव ही आएगा और u नेगेटिव आना चाहिए, तो माइनस 80 बाय 3 सेंटीमीटर। अगर कहीं v पॉजिटिव ले लिया तो u पॉजिटिव आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा आपको कि गलत कर लिया, u शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन। डायग्राम इज गिवेन हियर, देखो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, काफी क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ बिटवीन सी एंड एफ, वो तो डॉटेड है
ऑब्जेक्ट यहाँ रखी बिटवीन सी एंड एस. वाइल लुकिंग एट अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग. फर्स्ट है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन. ये तो ठीक नहीं है, रियल इमेज ही बनेगी ना बिटवीन. सेकेंड है रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब वो कह रही है कि रे रिट्रेस कर जाएगी पाथ को. नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, वो तो अगर सी में से होती तो जाती. थर्ड है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड. वो ठीक है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी. फोर्थ है दिस इज अ कनकेव मिरर एंड हेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. ठीक है, कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसकी. तो अब पूछे विच वन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दो करेक्ट है ना हमारी, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. एक मिनट, अब इसमें थर्ड फोर्थ वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी. सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड दोबारा देखते हैं क्या है. रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये वाली रिफ्लेक्ट, अच्छा जो बनाई है उन्होंने, हाँ ये तो सेम पाथ के अलोंग जाएगी और वापस भी आएगी, ये ठीक है. हाँ तो ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसकी इसका ऑप्शन आपका फिर आया सी पाथ. सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, मतलब उनमें से सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है. ठीक है, क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65. उस दिन करवाया था ना, वैसा ही है, आप करो. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट फॉर एल्कोहल इज 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.65 एंड ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.36. सेम क्वेश्चन करवाया था आपको मैंने. अब फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल. ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा मैंने नहीं बताना. गुरसिमर आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल क्या लिखूंगी. स्पीड आने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, किसका ऊपर आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव स्पीड इज नॉट एनी वर्ड एग्जिस्टिंग इन नेचर. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखना है, किसका डिवाइड. नहीं उल्टा बोल दिए, बैठ जाओ. जो सबस्क्रिप्ट होता है वो ऊपर रखना. हम इसको प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल. तो ये ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर ओवर एल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. बहुत बार बता चुकी हूँ, अब बस वैल्यूज पुट कर दो. 1.65 ओवर 1.36 तो 1. कुछ इसका आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन में से आप बता सकते हैं which is the correct answer. 47th question. Question number 47. Convex lens का diagram दिया हुआ है, last case वाला, जिसमें ये virtual rector magnified image बनाता है. The above lens has a focal length of 10 centimeter. लिखो, focal length है convex lens की 10 centimeter. The object of height 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. Object of height 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. Pole लिखा हुआ है, lens है, optical center लिखा होना चाहिए. U दिया हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए. हाइट है 2 mm और फोकल लेंथ है
10 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ इमेज. चलिए निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, एच टू कैलकुलेट करना है. पहले ये देखो, ये मिलीमीटर में दिया है, इसको ठीक कर लेते हैं. मान मिलीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर, तो ये 0.2 हो गया. 1 मिलीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर इज 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? पहले मैग्निफिकेशन निकाल लें. मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले आपको वी निकालना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला लगाइए. V आ गया -10. ठीक है, इमेज फोकस पे बन रही है इसका मतलब. चलो अब उसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज प्लस V बाय U एंड H2 ओवर H1. अब V है -10 और U है -5. H2 निकालना है, H1 है 0.2. तो H2 इज 0.4 सेंटीमीटर. आई थिंक वहां मिलीमीटर में आंसर दिया हुआ है, तो 4 मिलीमीटर आ गया. तो आंसर इज 4 mm. सी पार्ट आंसर इज 4 mm. क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, कर लेते हैं अभी. व्हाट कुड बी एक्स ने उससे रिलेटेड है. चलो केस स्टडी है, बड़ा क्वेश्चन. चलिए अब आपके पास सैंपल पेपर होने चाहिए डिस्कस करने के.